हेलो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सारी इक्वेशंस तो हम लोगों को पता ही है। और ये जो बेसिक जो हमारी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती हैं, तो ये इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जो एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक हम लोग जिसको फोर्थ इक्वेशन बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोगों को डिराइव कैसे करनी है और उसको हम लोगों को किसी क्वेश्चन में किसी प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करना है, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। देखिए, एनएस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का पहले तो मतलब समझ लीजिए। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको कंट्रास्ट करते हैं जिस इक्वेशन से, वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, बट ये टी सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट है। nth सेकंड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सेकंड में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए आपने कोई काम 10 दिन तक किया लगातार। अब आपसे पूछा जाए 10 दिन में आपने टोटल काम कितना किया, और आपसे पूछा जाए कि 10वें दिन कितना किया, तो दोनों में डिफरेंस है। तो जो ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टी सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टी की जगह एक्स रख दीजिए, एन रख दीजिए, कोई एनी वैल्यू वट एवर वैल्यू रख दीजिए, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। जैसे आप टी की जगह 1 रख देंगे तो 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देगा, आप 5 रख देंगे तो 5 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, 10 सेकंड रख देंगे तो आप 10 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले nth सेकंड। nth सेकंड किसको बोलते हैं, देखिए कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे ये मैंने फिगर बनाया था जब मैं बोर्ड में क्लास में पढ़ा रहा था। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, टी इज इक्वल टू जीरो से चलना स्टार्ट किया। तो टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू वन तक चलता चलता यहां पहुंचा, ये टी इज इक्वल टू वन पे उसकी पोजीशन है। तो जो पहला सेकंड ऑफ मोशन होगा, फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन होगा, वो होगा टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू वन, ये टाइम इंस्टेंट्स है। और जब हम बोलते हैं 1 सेकंड, तो ये ड्यूरेशन होती है। तो आप ड्यूरेशन और इंस्टेंट का डिफरेंस समझिए, t is equal to 0 से t is equal to 1 instants के बीच में ये जो 1 second की duration है, ये है first second का displacement। t is equal to 1 से t is equal to 2, t is equal to 1 से t is equal to 2, ये time instants है। इनके बीच में भी duration 1 second की है, लेकिन ये कहलाएगा second second of journey, second second of motion। t is equal to 2 से t is equal to 3, ये भी time instants है। t is equal to 2 से t is equal to 3, इनके बीच में भी 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, ये कौन सा कहलाएगा, तो फर्स्ट सेकंड हो चुका, सेकंड सेकंड हो चुका, थर्ड सेकंड हो चुका है। थर्ड सेकंड में t is equal to 2 से t is equal to 3, फोर्थ सेकंड में t is equal to 3 से t is equal to 4। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड 0 से 1, सेकंड सेकंड 1 से 2, थर्ड सेकंड 2 से 3, फिफ्थ सेकंड 4 से 5, सेवंथ सेकंड 6 टू 7, तो n सेकंड n माइनस 1 टू n, ये तो होगा। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना चला, तो फर्स्ट सेकंड में तो वही है, जब अगर पहले सेकंड में अगर आप s is equal to ut plus half a t square में t की जगह 1 रख दो तो उसको s1 बोल दें, s not कुछ नहीं, s not आप समझ लिए मैंने ऐसे लिख दिया, 0 है। सेकंड सेकंड में कितना चला, तो सेकंड सेकंड में चला है ये 1 से 2 के बीच में, ये कितना होगा 1 से 2 के बीच में, तो ये देखिए पहले सेकंड में s1 चला था और 2 सेकंड तक टोटल, ये देखिए टोटल है 0 से लेके 2 तक टोटल s2 है। तो अगर हम S2 से S1 हटा दें, ये S2 माइनस S1, ये होगा सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो थर्ड सेकंड में कितना होगा, 2 से 3 के बीच में, तो S2 है 2 सेकंड तक का टोटल, S3 है 3 सेकंड का टोटल। तो डी थर्ड कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2। और अभी मैंने बताया था कि nth कौन सा होगा, तो nth होगा जो n माइनस 1 से n के बीच में चला है। तो आप Sn निकालो n सेकंड का टोटल, और s ऑफ n माइनस 1 निकालो n माइनस 1 सेकंड का टोटल, और क्या कर दो, Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1 कर दो। अब Sn कैसे निकलेगा, Sn भाई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह n रख दो। s ऑफ n माइनस 1 कैसे रहेगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की जगह n माइनस 1 रख दो। अब सॉल्व कर लो, तो देखिए u वाले जो टर्म है, u वाले हम टर्म कॉमन ले ले, तो n में से n माइनस 1 गया, भाई n में से n माइनस 1 में एक का डिफरेंस तो है, u इंटू 1 आएगा, 1 यानी कि यूनिटी। हाफ ए ऑफ कॉमन ले लो, ये मैंने हाफ ए कॉमन ले लिया, तो देखिए n स्क्वायर में से n माइनस 1 का होल स्क्वायर गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो n में से n माइनस 1 जाएगा, a माइनस बी तो 1 ही आएगा, और a प्लस बी दोनों को जोड़ दो, तो n और n प्लस n माइनस 1 करोगे तो 2n माइनस 1 ही तो आएगा। तो बस आ गया हमारे n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला डिराइव हो गया, और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, कितना होता है, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अच्छा, टर्म्स की डायमेंशन, कहीं मैंने देखा आकाश वकाश के मॉड्यूल में टर्म्स की डायमेंशन वो बोलते हैं कि मिसमैच कर रहे हैं, तो क्या इक्वेशन गलत है, वो बोलते हैं d तो मीटर में, कई लोग ऐसा सोचते हैं, u तो मीटर पर सेकंड में, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बट भाई देखिए ये u मीटर पर सेकंड में है,
ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बट 2n-1 सेकंड में आएगा, तो मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड। और जो डी एनएथ है, ये एनएथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, एक सेकंड की ड्यूरेशन में चली गई डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मीटर में डायमेंशनल ना होके मीटर पर सेकंड की यूनिट में वो डायमेंशन वाइज एल टी माइनस वन होगा। इसलिए ये इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी कंसिस्टेंट है, सारे टर्म्स डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, और डायमेंशन एल टी माइनस वन है, यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो ये एनएस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल सही है, यू प्लस हाफ टू एन माइनस वन। अब इसको एक क्वेश्चन में लगाते हैं। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड तक इसका मोशन हो रहा है, और इसका एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। हमको बताना है कि इसने किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, अब किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना चला, तो हमें बताना है 6 सेकंड में कितना चला, 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मैंने लिखा u प्लस हाफ टू एन माइनस वन, यू लिखा मैंने 2, हाफ ए हाफ इंटू 2, 2n-1, 6 सेकंड, तो 2 × 6 12 होगा, 12 − 1 गया तो 11 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, 2 + 11, 2 + 11 कितना 13, ये आ गया हमारा 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर होगा। ये एनएस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन और ये एप्लीकेशन हो गया। अच्छा एक चीज और करते हैं, अगर हमसे कोई पूछता 10 सेकंड में टोटल कितना चला है, तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते, तब हम एनएस सेकंड का थोड़ी ना लगाते। देखिए 120 आ रहा है, अब 120 मीटर चलने के बाद कहाँ होगा, पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 पे -1 से स्टार्ट किया था, तो -1 में 120 आप जोड़ दो तो पार्टिकल 120 119 पे पहुंच जाएगा। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कहाँ नहीं लगाना है, ये सिर्फ एक सेकंड का है। तो अगर आपको बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा मिले, मैंने देखा कि फिजी और एलन के मॉड्यूल वगैरह में है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि 4 से 6 में इन 2 सेकंड में इंटरवल में कितना चला है, तब आप गलती से भी यू प्लस हाफ टू एन माइनस वन लगाएंगे तो गलत आएगा आंसर, ये मत करना। तो क्या करोगे, बेसिक भाई, 4 से 6 का मतलब क्या है, टी इज इक्वल टू 4 से टी इज इक्वल टू 6 टाइम इंस्टेंट्स के जो बीच में 2 सेकंड की ड्यूरेशन है भाई, 2 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए एनएस सेकंड का फॉर्मूला नहीं लगता। क्या करोगे आप, S4 निकालो, आप S6 निकालो और S6 − S4 कर लो, और S4 S6 कैसे निकालोगे, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में एक बार 4 रख दोगे, एक बार 6 रख दोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो निकल आएगा। और आप इसको, इस बेसिक को यूज करके आप कभी भी जैसे मान लो 4 से 7 पूछे तो S7 − S4 कर दो, 5 से 5.5 पूछे तो 5.5 निकालो, S5 निकालो, S5.5 निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये लगा के आप कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के किसी ड्यूरेशन में आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, और एनएस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।